एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज यमा आर्या एंड यू आर वाचिंग यमास वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपके साथ में एक टिंटेड सनस्क्रीन सीरम का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। रिव्यू ये वाला आप लोग जरूर देखना अगर ऐसा कुछ लेना चाह रहे हैं तो, क्योंकि ये वाले टिंटेड सनस्क्रीन सीरम का एक जो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, वो शायद ही कोई आपको बताएगा। और इसके साथ में मुझे एक ये बॉबी ब्राउन का एक प्रोडक्ट फ्री मिला है सैंपल के तौर पे, ये क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉबी ब्राउन का क्या प्रोडक्ट उन लोगों ने मुझे सैंपल के तौर पे भेजा है। तो फ्रेंड्स, ये है बॉबी ब्राउन का फेस बेस। ये बेसिकली सैंपल प्रोडक्ट है, जैसे कि उन्होंने ये ईबा के साथ में, ये जो ईबा का टिंटेड सनस्क्रीन है इसके साथ में आपको फ्री मिल जाएगा। जस्ट देखने के लिए कि अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो यू नो आप इसका बड़ा पैक भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आज के प्रोडक्ट की, जो कि है ब्रांड ईबा की तरफ से। मैंने खुद ही परचेज किया है, बस इसके ब्रांड का नाम बता रही हूँ, ईबा। बेसिकली ये टिंटेड सनस्क्रीन सीरम है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि ये टिंटेड है। अगर आप डेली यूज में कुछ ऐसा यूज करना चाह रहे हैं जैसे कि आपको फाउंडेशन नहीं लगाना पड़े, तो आप इस तरीके का यू नो टिंटेड सनस्क्रीन सीरम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको SPF 60 मिल रहा है और PA प्लस 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 मिल रहा है, फोर टाइम्स आपको इसमें प्लस मिल रहा है। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है ब्राइट ग्लो टिंटेड सनस्क्रीन सीरम। तो यस फ्रेंड्स, ये आपको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट तो देगा ही, ग्लो प्रोवाइड करेगा आपके फेस पे। इसमें आपको मिल जाता है विटामिन सी एंड हेलोरोनिक एसिड, जो कि बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। हमारी जो यू नो फेस पे थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन वगैरह होता है, तो इससे थोड़ा सा यू नो वो कम होने लगते हैं। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है 2-in-1 मेकअप प्लस स्किन केयर। अब इसमें स्किन केयर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ इसमें आपको विटामिन सी और हेलोरोनिक एसिड मिल रहा है, और मेकअप इसमें इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये टिंटेड है। तो अगर आप ये यूज करेंगे तो आपको फाउंडेशन या कुछ भी कंसीलर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने डेली यूज में। और इसके ऊपर लिखा हुआ है इनविजिबल नेचुरल फिनिश सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। तो यस फ्रेंड्स, ये आपको एक नेचुरल काइंड इफेक्ट तो देगा आपके फेस पे, और साथ के साथ में ये अच्छी बात है कि सभी स्किन टाइप वालों को सुटेबल है। लेकिन मैं आपसे कहूंगी अगर आपकी यू नो बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आपको थोड़ा सा ये बॉदर हो सकता है। तो चलिए और देख लेते हैं इस पैकिंग के ऊपर क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ सारी दी गई है, और ये पीछे भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ठीक है, इसका जो MRP है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। ऑलमोस्ट 500 रुपीज है, 499 रुपीज है, लेकिन आपको ये ऑफर प्राइस में मिल जाएगा, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। चलिए बॉक्स खोल के आपको अंदर से प्रोडक्ट दिखा देती हूँ मैं कैसा है, और इसका टेक्सचर वगैरह क्या है वो भी बता देती हूँ। तो अंदर से आपको फ्रेंड्स ये इस तरह की ग्लास बॉटल मिलने वाली है। इसके ऊपर भी वही सारी डिटेल्स दी गई हैं जो आपको कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मिलेगा। तो इसको खोल के दिखा देती हूँ मैं। इसमें आपको ये ड्रॉपर मिल जाएगा जिससे कि यू नो प्रोडक्ट निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ। इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा है, ये एक्चुअली में बहुत लाइट वेट फील होता है। इसको मैं आपको हाथ पे ही पहले अप्लाई करके दिखाती हूँ, उसके बाद में मैं अपने फेस पे लगा के दिखा दूंगी आपको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग शायद देख पाए अच्छे से इसका जो शाइन है, इसका जो ग्लो है, वाकई इसमें एक शाइन और ग्लो तो है। बेसिकली ये प्रोडक्ट मुझे जो लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा ही जो फेयर स्किन टोन वाले हैं उनके लिए है, या फिर मीडियम स्किन टोन वाले हैं उनके लिए है। थोड़ा सा भी डार्क स्किन है या ब्राउन स्किन है तो ये उस फेस पे अच्छा नहीं लगेगा, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको शाइन जरूर दिखाना चाहूंगी, इस पे जो लिखा हुआ है ना ग्लो सीरम, तो यस ये डेफिनेटली ग्लोइंग इफेक्ट तो देता है। सो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसी एक माइनस पॉइंट की बात की है कि इसको कोई भी यू नो डार्क स्किन वाला नहीं लगा सकता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उनके फेस पे, फेस बिल्कुल ग्रे हो जाएगा। तो मैं यही सोच रही थी कि इसमें यू नो और शेड्स होते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे इसमें कहीं कोई और शेड नहीं दिखा, ये एक ही शेड था जो मैंने पिक किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे तो बेटर है कि आप अपना कोई भी सनस्क्रीन ले लीजिए, उसके अंदर आप अपने अपना जो फाउंडेशन आप यूज करते हैं उसको मिक्स करके भी लगा सकते हैं डेली यूज में। बेसिकली इस प्रोडक्ट का मकसद ही ये है कि लाइक आप फाउंडेशन स्किप कर दें और डेली यूज में आप इसको लगा लीजिए, क्योंकि ये हल्का फुल्का लगेगा आपके फेस के ऊपर और साथ में आपको यू नो एक सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस पॉइंट की, तो एमआरपी इसका जो है वो है 499 रुपीज, मींस ऑलमोस्ट 500 रुपीज है, लेकिन ये मुझे नायका पे ऑफर प्राइस में मिला था 399 रुपीज का मिला था, मींस 400 रुपीज का। तो बस फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।